अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर शाहीन, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 50, मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एयर वूमेन, एरो ट्रेड, एरो स्पोर्ट्स, ISSB, लेडी कैडेट कोर्स, पाकिस्तान मेडिकल कॉर्प्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं और इससे भी ज़्यादा स्पेशली PM में 151 कोर्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस टेस्ट में वो तमाम रिसेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो PM में 151 कोर्स में शामिल किए गए थे, इसलिए अगर आप PM में 151 कोर्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच इज़ डिफरेंट, कैरेट, टोमेटो, अनियन और टर्निप? तो मैं आपको बता दूं कि ये तमाम जो है, कैरेट कहते हैं गाजर को, टोमेटो टमाटर, ऑनियन प्याज, और टर्निप होती है शलजम। ये चारों की चारों सब्जियां हैं। इन सब में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि कैरेट जो है उसे ज़मीन के अंदर, यानी कि गाजर को ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, प्याज जो है, अनियन, उनको भी ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, टर्निप यानी कि शलजम इसको भी ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, जबकि टोमेटो जो है इसको ज़मीन के बाहर उगाया जाता है। इसका टोमेटो का जो है, टमाटर का बाकायदा पौधा होता है जो ज़मीन के बाहर उगता है, इसलिए जिसमें टोमेटो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट कम्स अल्फाबेटिकली इन द वर्ड फ्लक्चुएशन। तो अगर आपके पास कहीं भी ये लिखा है कि कौन सा लेटर अल्फाबेटिकली आता है किसी भी वर्ड में, तो आपने सिंपली क्या करना है कि उस वर्ड के स्टार्ट से आपने ABC पढ़ना शुरू करनी है। अब देखिए, यहाँ पे आ गया ABCD, टी के नीचे आ जाएगा ई, देन एफ, यू, सॉरी जी, एच, आई। अब ये क्या हो गया कि आई के नीचे जो है वो आई आ गया। ये देखें, ABCDEFGH I, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि आई और आई जो हैं ये एक जगह पे एक ही नंबर सीक्वेंस पे आ गए हैं। इस वजह से जो हमारे पास आई है ये वो अल्फ़ाबेट है जो वो लेटर है जो अल्फ़ाबेटिकली जो है हमारे पास वर्ड फ्लक्चुएशन में आता है। सो जो आई है वो हमारा आंसर है। 10:20 is 800:2। सिंपली 10 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 20। अब जब आप 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 800 को 2 से मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 1600। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, 1:100 as 10:2। अब 1:100 क्या बना है कि सिंपली उन्होंने 1 के साथ 2 जीरो लगा दिए तो बन गया 100। 10 के साथ भी आप सिंपली 2 जीरो लगा देंगे तो क्या बनेगा, 10 के साथ जब आपने 2 जीरो लगाए तो वो बन गया 1000। सो इफ 1 is equal to 10, देन 10 is to 1000। 1:1000 is 2। अब इसमें क्या किया है, 10:1 कैसे बना कि उन्होंने सिंपली एक जीरो जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो नेक्स्ट में भी 1000 में भी हम एक जीरो अगर कैंसिल कर दें तो पीछे क्या बचेगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा 100। सो और आंसर इज 100। इफ 10:1 देन 1000 is to 100। कम्स नेक्स्ट, इसमें सिंपल है कि इसका 1/3 जो है हर चीज़ का लिया गया है। जैसे 81 को आप 3 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, 81 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 27। 27 को आप 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 9। 3 into 1 3, एंड 3 into 9 27। देन दोबारा आपको आगे क्या चाहिए, 9 के बाद 9 को आप 3 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, 3 into 1 3, एंड 3 into 3 9, यानी कि जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आएगी वो होगी 3। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, कम नेक्स्ट 1:11, 1:15, 1:20, 1:26। तो इसमें सिंपली जो है वो नंबर्स ऐड किए गए हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि किसने क्या नंबर ऐड हुआ है। 111 में आपने 4 ऐड किए तो आपके पास बन गया 115। 115 में आपने 5 ऐड किए तो आपके पास बन गया 120। 120 में आपने 6 जमा किए तो आपके पास बन गया 126। अब यहाँ आपने 4 जमा किए, फिर 5 जमा किए, फिर 6 जमा किए, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप 7 ऐड करेंगे। 126 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 133। सो आंसर इज 133। 8, व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो इसमें आपने ये देखना है कि 95 से 4 कैसे बना, 63 से 3 कैसे बना, एंड देन 91 से क्या बनेगा। अब सिंपली इसमें क्या किया गया है कि फर्स्ट में
9 माइनस 4 किया आपने तो आपके पास आ गया, 9 माइनस 5 किया आपने तो आपके पास आ गया 4, ये रहा 4। 6 में से आपने 3 माइनस किया तो आपके पास बन गया 3। 9 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8। सो आवर आंसर इज 8। क्वेश्चन व्हाट कम्स नेक्स्ट, आपने देखना है कि 8 से 64 कैसे बना, 9 से 81 कैसे बना और 10 से क्या बनेगा। इसमें सिंपल है कि 8 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, या दूसरे लफ्जों में जब आप 8 का स्केयर लेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। यहाँ भी आपने 9 का स्केयर लिया, 9 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 81। यहाँ पे आप 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 100। क्वेश्चन नंबर डिफरेंट, स्केयर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। तो ये होता है स्केयर हमारे पास, ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है और ये हमारे पास जो है ये ट्राइंगल है। अब आप देखें स्केयर में जो है चार कोने हैं, रेक्टेंगल में भी चार कोने हैं और ट्राइंगल में तीन कोने हैं, लेकिन स्केयर का जो सर्कल जो है उसका कोई कोना नहीं होता, इस वजह से जो इसमें सर्कल है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट 4, 8, 32, 9, 5 एंड द नेक्स्ट क्या आएगा। इसमें सिंपली क्या किया गया है कि जब आपने 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 32, जब आप 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देन योर आंसर विल बी 45। क्वेश्चन कम्स नेक्स्ट, 6, 18, 72, 360। इसमें सिंपली क्या किया गया है कि जब आपने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 18, जब आपने 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 72, जब आपने 72 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, 360। तब सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट आया 360, तब यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, देन अब 5 से, तो अब हम क्या करेंगे, 360 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 360 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 2160। सो आंसर इज 2160। व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसमें भी आपने सिंपली ये देखना है कि 3 से 5 कैसे बना, 5 से 9 कैसे बना, 9 से 15 कैसे बना। अब आप ये देखें कि 3 और में 2 ऐड किए तो हमारे पास बन गया 5, 5 में आपने 4 ऐड किए तो बन गया 9, 9 में आपने 6 ऐड किए तो बन गया 15, 15 में आपने 8 ऐड किए तो आपके पास बन गया 23, 23 में आपने 10 ऐड किए तो बन गया 33। अब ये देखिए, आपने पहले 2 ऐड किया, देन 4 ऐड किया, देन 6, देन 8, 10, तो इसका मतलब है कि इवन नंबर की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या ऐड करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर 12, तो जब आप 33 में 12 ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर होगा वो होगा 45। सो आंसर इज 45। गुड इज टू बैड एज वर्चू इज टू, तो गुड होता है अच्छा और बैड होता है बुरा, वर्चू होता है नेकी, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, यानी कि गुड का अगर ऑपोजिट बैड है तो वर्चू का ऑपोजिट क्या होगा, ब्लेम। ब्लेम करते हैं किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी को किसी चीज़ का कसूरवार समझना। सिन होता है गुनाह, डिस्पेयर होता है मायूसी और वाइस होती है आवाज़। तो अगर वर्चू नेकी है तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा सिन, यानी कि गुनाह। सो आंसर इज सिन। क्वेश्चन, जंगल इज टू जू एज सी इज टू, तो इसमें क्या है कि जो जंगली जानवर होते हैं उनको रखा जाता है जू के अंदर, ठीक है। तो अब सी यानी कि जो समंदर के जानवर होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, समंदर के जो जानवर होते हैं उनको रखा जाता है एक्वेरियम में। एक्वेरियम वो एक पानी का टैंक सा होता है जिसमें जो है फिशेज वगैरह को या जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है। सो आंसर इज एक्वेरियम। तो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूअर हम अपनी वीडियो के मैं आप सबको बता दूं कि शाहीन लीडर तमाम टेस्ट के, इनिशियल टेस्ट के अलावा ISSB और
भी कराया जाता है और मोस्ट वेलकम। और मेरी आप सबसे आप शाहीन लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह।